अजहर भाई कैप्टन थे इंडिया को अब तेलंगाना कांग्रेस का, का कैप्टन हो गए कैसा लग रहा है you, बहुत अच्छा लग रहा, मुझे, मुझे कोई एक बड़ा पोस्ट मिला पहले तो काफी पोस्ट थे ना क्रिकेट में कैप्टन था फिर और हमें दूसरे दूसरे और भी मुझे खुशी हो रही क्या मैंने इतने दिन के बाद पोस्ट मिला और मैं राहुल गांधी जी का और सोनिया मैडम का और जितने भी लोग मैं कांग्रेस के जो टॉप लीडर्स है उसका सब पूर्वों का शुक्रिया अदा करूँगा और वर्कर्स का करें, उनकी उनकी वजह से हुआ है ये नरेंद्र मोदी कैसा सरकार चला रहा है आपको क्या कह है नहीं देखिए जो प्रामिस जो है वो कुछ हुआ नहीं है देखिए जो प्रामिस जितने भी किए अब जितना कंट्री बहुत 20-25 साल पीछे हट गए डिमोनेटाइजेशन से और जो जीएसटी से उससे बहुत पीछे हट गए क्योंकि देखिए गरीब लोग इसमें बिल्कुल उसका लॉस जो हो रहा है वो गरीब लोगों का हो रहा है क्योंकि मैं कहीं बहुत से गाँव में भी जाता हूँ तो लोग कितने बिजनेस बंद हो चुके हैं ओनली क्योंकि जीएसटी पंद्रह दिन होते जीएसटी आप जाओ दो नहीं तो ऑफिसर नोडल ऑफिसर आ जाते बोलते अभी जीएसटी नहीं दिया तो लोग परेशान है इससे तो मेरे ख्याल में जो प्रोमिस किए वो बिल्कुल कोई भी आप एक भी प्रोमिस फुलफिल नहीं किए तो जो क्रिकेट करियर था आपकी जिंदगी में दो अध्याय है एक भला है एक बुरा है अभी नए इनिंग्स शुरू कर रहे हैं कैसे होगा क्या उम्मीद है ना उम्मीद अच्छी है कि उम्मीद आगे बढ़ने की कोशिश करेंगे उम्मीदें अच्छी है क्योंकि हम पूरी कोशिश करूंगा कि मैं ज़्यादा से ज्यादा पार्टी के लिए काम करूँ ज़्यादा से ज़्यादा टाइम दूँ और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जोड़ू और हमारी जब सरकार आ देखिए कांग्रेस एक अच्छी पार्टी है सेक्युलर पार्टी है और हर बार वो डेवलपमेंट के आज जितने भी जो डेवलपमेंट हो आप देख रहे हैं अपने जो पावर प्लांट्स है इसरो के जितने भी आप बड़े बड़े कामे हुए वो तो कांग्रेस की पार्टी नहीं हुई है बीजेपी पार्टी क्या इतने बड़े बड़े स्टैचू बना दे तीन हजार छह सौ करोड़ रुपए का स्टैचू बनाने का क्या है बताइए लोग खाने खाने को नहीं है लोग मर जा रहे खाने को नहीं है पीने को नहीं है पानी हॉस्पिटल नहीं है तो अभी तीन हजार छह सौ स्टैचू क्या करेगा बताइए जमाने स्टैचू का जमाना अभी तीस चालीस चालीस साल पहले स्टेचू लगाते बहुत अच्छा लगता है अभी आज का आज का जमाना वो नहीं है ये तो देखिये ये इशू तो अब चलते ही रहेगा जितना भी होगा इसमें क्या देखिए मेरे ख्याल में मैं समझता हूँ उसके ऊपर सुप्रीम कोर्ट जो भी डिसीजन लगा में वो फाइनल होगा तो अच्छा तो चलता ही रहेगा नहीं तो फिर नहीं तो खींचता रहेगा अब हम तेलंगाना में आ रहे हैं अगर आपको हाईकमांड बोले कि आप एमपी इलेक्शन में खड़ा हो जाओ लोकसभा इलेक्शन में खड़ा हो जाओ कौन नहीं। सी अच्छा मैं सिकंदराबाद से मेरी इच्छा है कि मैं सिकंदराबाद से लड़ू

तो हम उसके बारे में देखिए मैं एक ऐसा आदमी हूँ मैं चाहता हूँ कि हमारी पार्टी को मैं स्ट्रांग करना चाहता हूँ दूसरे क्या कर रहे हैं वो मुझे इतना फर्क नहीं पड़ता है मेरे को फर्क पड़ता है हमारी पार्टी स्ट्रांग होगी हमारा केडर अच्छा होगा हम लोग को बताएंगे कि हमारी पार्टी क्या करना चाह रही है मैं समझता हूँ वो हमें इंपॉर्टेंट है हम क्या करना चाह रहे हैं बताना चाहें है। पब्लिक को बताना चाहिए कि हम ये ये करना चाह रहे हैं और उसके ऊपर हम खायम होना चाहिए उसके ऊपर हम एक्शन लेना चाहिए तो जब जाके हम आगे बढ़ सकते हैं अगर हम दूसरों के बारे में अगर सोचते रहेंगे तो फिर बहुत मुश्किल होता है फिर हम हमारा जो फोकस है हमारी पार्टी का वो फोकस खड़ता है लोकसभा इलेक्शन में आप कलकत्ता आएंगे कैंपेन करने के लिए मैं जरूर आएंगे क्यों नहीं आएंगे कलकत्ता कैसा लगता है कलकत्ता तो बहुत जबरदस्त जगह है कलकत्ता के बारे में, में मेरे पास कोई वर्ड्स नहीं है बोलने के लिए मैं कितना भी तारीफ करूँ कलकत्ता की कलकत्ता कलकत्ता के लोगों की बहुत बहुत कम है मैं कहने वर्ड्स ही नहीं है क्योंकि जो भी भी मैं खेला हूँ इतना प्यार और मोहब्बत कलकत्ता ने दिया और मेरे टाइम बहुत से टाइम मेरा करियर भी सेव हो गया कलकत्ता में जब खेलने गया था मैं खबर एक बार 93 में इंग्लैंड के साथ जब खेल रहे थे अगर मैं मैं अगर नहीं करता था स्कोर 182, तो शायद वहाँ पे ड्रॉप हो जाता था और इडन गार्डन्स इडन गार्डन्स तो फेवरेट I mean, like, और लास्ट uh, क्वेश्चन मेरा ये तेलंगाना में रिजल्ट क्या होगा तेलंगाना में रिजल्ट यही हुआ कि महाकुटुमी की गवर्नमेंट बनेगी इनशाला